मेरा नाम हारिस है और मैं 28 साल का हूँ और मैं थैलासीमिया मेजर का पेशेंट हूँ। छोटी एज में तो नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई, 7-8 साल का, 10 साल का हुआ, ऐसे ऐसे पता चलता गया कि ये थैलासीमिया क्या है। और ये भी पता चला कि ये जो ब्लड लगना है ये अब लगता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। हारिस की उस वक्त उम्र थी तकरीबन 7 मंथ, ठीक है। तो ये चूंकि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी हम लोगों में, नहीं पता चलता था कि ये बीमारी क्या है, तो हम आगे पीछे डॉक्टरों के पास जाते रहे मुख्तलिफ, लेकिन कहीं से कोई इसको रिलीफ नहीं मिल सका। तो आखिर में फिर हमें पता चला कि इसका हमें वो HB स्टडीज़ करानी पड़ेगी, तो ये फिर FIT में, तो वहाँ से फिर हमें ये पता चला कि रिपोर्ट से कि ये हारिस को बीटा थैलासीमिया मेजर है। उस वक्त तो तासरात मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ ना कि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये बीमारी कितनी सख्त और कितनी बड़ी है। वैसे तो औलाद के सर में दर्द भी हो ना तो माँ बाप को बड़ी तकलीफ होती है ना, लेकिन ये जब चलता गया सिलसिला और इसमें हमें अवेयरनेस आती गई, पहले तो हम ब्लड खरीदते भी थे अस्पतालों से पैसे दे के, लेकिन जब हमें इसमें ये अवेयरनेस आई कि इन बच्चों को तो होल ब्लड नहीं चाहिए होता, इनको सिर्फ RCC चाहिए होता है, तो अब मैं काफ़ी अरसे से, कई सालों से AFIT से इसका ब्लड जो है अरेंज करके करा रहा हूँ। मुश्किलात तो पेश आती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता था और किया मैंने, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरे बेटे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होने के नाते आज 28 साल में एक घंटा भी उसकी ट्रांसफ्यूजन लेट नहीं हो सकी है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बच्चे महीना महीना, दो दो महीने उनके माँ बाप लापरवाही करते हैं, इतना उस तरफ तवज्जो नहीं देते, उनको ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है, उनकी सेहतें और ख़राब होती है, बिगड़ती है, तो लेकिन आज तक अल्लाह की मेहरबानी से मेरे बेटे का आज 28 साल में एक घंटा भी अपने टाइम से ट्रांसफ्यूजन उसकी लेट नहीं हो सकी है। स्कूल जाना लेट तो नहीं, मैंने 6 साल की उम्र में शुरू किया था जाना स्कूल और इंटरमीडिएट तक मैंने तालीम हासिल की है, उसके बाद आगे तालीम हासिल नहीं की मैंने। बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह मैं स्कूल भी जाता था, बाहर खेलने भी जाता था और बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ऐसा नहीं था कि गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। इर्द गिर्द के लोग बार बार आपको बोलेंगे आप बीमार हैं, आपको ब्लड लगता है, शायद वो अपनी तरफ से हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा ये बात बार बार सुन के ना आखिर तंग पड़ जाता है कि यार कितना बीमार हूँ मैं। जब भी कोई बंदा मिलता है वो बोलेगा आप बीमार थे, आप कैसे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं खुद को बीमार नहीं समझता। मैं इस वक्त घर की जिम्मेदारी भी है, मेरे अम्मी अबू हैं उनकी लुक आफ्टर मैं करता हूँ, मेरे जो भाई बहन है वो मुल्क में मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं खुद करता हूँ, उनकी लुक आफ्टर भी करता हूँ, अपना भी देखता हूँ, जो मुझे ब्लड लगता है, इंजेक्शन लगता है, वो सारा कुछ मैं खुद करता हूँ। बस ऐसे ही था कि जब पता चला था कि ये लगता रहेगा, दुख होता था कि बार बार जो है वो नीडल्स लगती हैं पेट में, कभी कभी बाजू पे, कभी हाथ में, कई बार ऐसा होता था कि वो जो ब्लड लगाते थे ना तो वो नीडल लगाते थे वो नहीं सही लगती थी,
एक जगह से उतार के दूसरी जगह, तो उस वक्त ये सोचते थे कि ये कैसे चलेगा इतना सारा कुछ, क्योंकि ब्लड तो लगना है, सारी ज़िंदगी लगना है। वो तब होता था। देखिए, आप खुद देख लें कि यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप मरीज़ को हॉस्पिटल में ले जाएं, तो अगर आपको डॉक्टर बोल दे कि इसे ब्लड की ज़रूरत है, तो बंदा परेशान हो जाता है कि ब्लड कैसे अरेंज करूँगा मैं। तो वो तो शायद वक्ती ज़रूरत है उसकी, लेकिन हमें तो पैदा हुए हैं, ब्लड लग रहा है और आखिर तक लगना है। और ऊपर से ब्लड ग्रुप है जो मेरा, वो बहुत रेयर है। हर बंदे का नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो इस हवाले से बहुत मुश्किलात होती हैं ब्लड को अरेंज करना, क्योंकि जो ब्लड बैंक्स हैं वो भी आपको कहते हैं कि डोनेशन लाएं तो फिर हम आपको दे सकते हैं, अदरवाइज़ नेगेटिव जो है वो बहुत रेयर है। बिल्कुल गुजार सकता है ज़िंदगी, वो आप पे है। आप उसका ट्रीटमेंट जो है, जो सब कुछ आपको चाहिए, ब्लड चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, आप अपना ट्रीटमेंट ठीक रखें, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे दूसरे लोग गुजारते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं आपके सामने बैठा हुआ, मैं ब्लड टाइम पे लगा रहा हूँ, इंजेक्शन लगा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। 70 किलोमीटर है यहाँ से हॉस्पिटल मेरा, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके लेके जाता हूँ, वापस भी आता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बीमार हूँ या ब्लड मुझे लगा है और मैं लेट जाऊँ। नहीं, मुझे ब्लड लगता है और उसी आधे घंटे घंटे बाद मैं गाड़ी चला के खुद वापस कर आता हूँ। और जैसा कि काम का, तो मुझे शौक़ था शुरू से गाड़ियों का, तो यही काम था, अब्बू का भी था, गाड़ियाँ लेना, सेल करना, और बस वही चल रहा है, उसी के साथ चल रहा हूँ। होता है, बंदा सोचता है, लेकिन नहीं, फिर बंदा सोचता है कि ये जिसने बीमारी दी है वो इसके लिए कर भी रहा है। इंसान को वही हिम्मत देता है जो बीमारी देता है, वो हिम्मत भी देता है कि बंदा इससे लड़े।